महापुरुषो साध संग जियो, जो आप जी ने बचन सुने आ गुरबाणी दे शब्द सरवण कीते आ, ऐसी बख्शिश मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी करिया करदे ही नाल तंती साज वजने ते नाल ही ढोलकी छैने सुर करके फिर मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी जिहड़ियां रीतां गुरु अर्जन देव साहिब उस वेले कृपा करिया करदे आ ना, मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी वह रीतां दस्या करदे ही मेरे गुरु साहब आ रीतां इस तरह पढ़िया करते ही। अज फिर कृपा मालक कर रहे ने। एक समय मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जी मेहर बख्श कीती साढ़े अमृतसर जिले च दर्शन दिते तां पंडित जी दवान ला रहे ही। पंडित जी उन्हां दे बजन अज सवेरे मैनूं चेता आंदे ही, अमृत वेले नाल एडी बेइंसाफी करदे ने स्पीकर ला के, किसे ने रब दा नां लैणा है, किसे ने मन दा टका करना है, आंदे ही गल नहीं कर। सवेरे सवेरे उन्हां दा मैनूं वजन चेते आ गया। जदों पंडित जी बड़े विद्वान सी, अपनी मिसाल वो आप सी, उन्हां जदों वजन सतगुरां दे सुनाए ते एक उस नगर का एक ऐसा शग सी जिहड़ा हर अमल वरतदा सी, हर अमल वाली छे गोली गट्टा समान जो लभे ते वो हाथ जोड़ के आ गया ते उन्हें पंडित जी तो भजन पुछया, कछहरा पा लिया। ते ए नहीं मैनू पता भी उहदे कोलों दो दिन निभे जां चार दिन निभे। जदों समां सी उह देश ते बड़ा भारू ते उन्हूं पुलिस ने चुक लिया ते पुलिस दा वट्टा उदों छोटा वट्टा लाख रुपया हुंदा ही, जिहड़ा वड्डा ही उह वड्डा ही, ते जिहड़ा इन्ने छे इन्ने अमल वरतदा है उहदे कोल लखां रुपये कौन, ना तां उहदी कोई हामी भरे ना कोई उहदे मगर गया। जदों एक दो दिन उह अमृतसर सुल्तानविंड थाने दे विच अंदर रहा ते एक दिन थानेदार बाहरों गश्त करदा आया ते शराबी होया ही ते मुंशी नूं आंदा, बुआ ला इहदा तां कम करिए इक दा। उन्हां नूं फीतियां लगदियां सी, उह आंदे ही फलाणे थां ए असीं खाड़कू असीं फलाणा ए मोर्चे तो मार के लियांदा ए, ये थोड़ा आखना ही भी अंदरों कढ के मारिया है। थानेदार सी शराबी ते थानेदार ने मुंशी नूं आख्या, हा जरा हवालार दा बूआ ला इहदा कम ते करिए। ते उन्ने भी जदों ना अपना सुन लिया पिंड दा भी ते अपना भी, ते फिर वह बंदियां दे मगर छुपण दे पिया। शामा दा वक्त सी, रात जदों ये अठ दस बजे बाहरों गश्त करके आउंदे ने, मुंशी ने हुक्म मन के बुआ लाता हवा लाड़दा, तां थानेदार शराबी होए जदों लांघ भर के हवा लाड़ दे अंदर पैर रखिया तां परबकारियां दा परबकारी मेरा सतगुरु जगजीत सिंह अंदर बैठे, चिट्टे बस्तर पाए ते चिट्टी चादर दी बुकल मारी। वो पुलिस वाला कर्मचारी थानेदार दा मन कंब गया, ओहो ही पैर चुक के सरदारां तो पिछे कर लिया ते मुंशी नूं आखण डे पिया, आ जिहड़ा बाबा अंदर बैठा है ये क्यों बाबा बैठा। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे उहने दर्शन कीते, पता नहीं उहदा मन एक दिन कायम रहा जां दो दिन कायम रहा जां चार दिन रहा। ओह वाह मेरे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह, आ बाग मेरे सतगुरु जगजीत सिंह पालिया है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਗ ਜਾਂ ਆ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝੋਰੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਸੂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੈਂ ਪਛੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਐਤਕੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਐਤਕੀ। ਓ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਅਨ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਏ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਏ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਾਲਦਾ ਏ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ
ते मैनू आखन डे वे इन्ने दिन क्यों लगे आ, मैनु बाहां च ले लिया गलवकड़ी ते मैनू कहंदे इन्ने दिन क्यों लगे आ, इन्ने दिन क्यों लगे आ। ना जेड़ी मर्ज करन दिया है, साडे जिले की एक साडी भैण लगती आ मिस्त्री परिवार चो, उन्हें अर्ज की मेरे प्यो ने गुरसिखा का घर लभ के रिश्ता किया है, शराब पी के आप कदी किते प्या रहिंदा है, कदी किते प्या रहिंदा है, निके निके बच्चे जी खाण नूं मंगदे आ, मैं प्यो कोलों दाने किन्ना गजर लिया के रोटियां पकावां, मैं जानी आ आनियां न्याणियां दे लीड़े पाटे आ, खाण नूं है नहीं। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह पातशाह दे बीबी इन्हां बच्चियां नूं लेके भैणी साहब आ जा, निर्गुण आरे पालता फिर वो भैनी साहब जाके पीनो ना हटे, भैनी साहबों दौरे निकल जाना बाहर, मेरे को भी एक चला गया इंदा किराया है नहीं भैनी साहब का, मैनू नहीं पता किराया लेके उतों ही शराब पीन दे पिया। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह सद के इन्ना प्यार किया, इन्ना प्यार किया, ना हटिया उत्थे संगल मराया ना हटिया। वो वाह मेरे सतगुरु जगजीत सिंह ओदे बच्चियां नूं वो राग विद्या बख्शी आ जिहड़ी दुनिया दे लोकां नूं नहीं प्राप्त हो सकती। वो वाह सतगुरु निर्गुणा नूं पालन वालिया, वाह वाह गुणकारी गुण वाले लोकां नूं तां लोक गुण करदे आ, कोई निर्गुणा दे गुण करे। फिर वह बीबी दियां धीआं चंगे घरी व्याहियां, आख्या बीबी मैं दऊ तेरी धीआं नूं जो दाज आखणगियां, मैं दऊ ते उहनूं सद के आखना मेरी गल मन, हुण ना शराब पिया कर, वेख ला मैं तेरे घर बिना आखण तो आउणा है। जदों उदों ये पातशाह वड्डे आए ने ते उदों आख्या है, कहिंदे सो हुण काका जा जदों सदांगे जमीआ ओदा वक्त नहीं सकिया, ए की दगा मैं खिमा मंगदा है। मेरे सतगुरु जगजीत सिंह जेड़ा प्यार बख्शिया है, जी जी दे अंदर उहदा प्यार भरिया है, कोई मोना कोई चादर वाला लंगोटी वाला किसे नूं पुछ के वेख लो, हर जी नाल ऐसा प्यार जो लिखिया उत्थे सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाईए, हुण मालक करके विखाउंदे ने अपने कट्ठे कर रहे ने अपने नूं उह प्यार बख्श बख्श के कट्ठे। मैं खिमा मंगदा है सतगुरु प्रताप सिंह दे भाषण च वचन आउंदा है, भाई असीं तां कमले रमले आ, साडी कमलियां दी केड़ी गल आ। परम सत्कारयोग उपस्थित साध संग जीओ, ये सन बाबा शिंदा सिंह जी मुहावे वाले जिन्हों पासों दीवान तो सरवण किया। हुण साडे पास सरदार गुरदीप सिंह जी गोछा, लीडर यूथ अकाली दल लुधियाणा तो वो पहुँचे ने, उन्हां नूं सन्मानित करनगे सरदार अरविंदर सिंह जी लाडी, गुरमीत सिंह जी मठाड़ू ते नवतेज सिंह जी लुधियाणा, वो इन्हां नूं सन्मानित करनगे गोछा जी नूं। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी इन्हां दा जिन्होंने समा कट के इत्थे हाजरी भरी है। साडे पास श्री संग्राम सिंह जी मालक उदय गैस एजेंसी
जिहड़े वो भी समाज सेवक ने साडे विच पहुंचे ने उन्हां दा सन्मान करनगे। उन्हां नूं प्रधान अजीत सिंह जी पंछी, प्रिंसीपल जसवंत सिंह जी, मास्टर जसपाल सिंह जी, जसवीर सिंह जी बिटू, ये सारे इत्थे मकेरियां वाले जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मैं हुण बेनती करदा सूबा अमरीक सिंह जी नूं कि वह साध संगत नूं संबोधन करनगे कुछ समा। सूबा अमरीक सिंह जी। कार्योग साध संगत जी, कुछ बेनतियां असी साध संगत वालों ठाकर उदय सिंह जी के चरणों में करनी। आप सारी साध संगत ध्यान नाल सुनो। साध संगत जी, श्री ठाकर उदय सिंह जी, श्री ठाकुर दलीप सिंह जी के एकता भरे भाषण नूं ईरखा भरिया भाषण आखते हैं। साध संगत जी, श्री सतगुरु जगजीत सिंह ने अपनी पवित्र रचना तो कई बार संत जगतार सिंह जी और ठाकुर उदय सिंह जी नूं अपने कोल बिठा के ये हुक्म किया, तुसी काके वड्डे नाल मिल के रहो अते इकट्ठे रहो। इत्थों तक कि श्री सतगुरु जी ने ठाकुर उदय सिंह जी नूं दोवें हाथ जोड़ के कहा कि मैं तुहानूं बेनती करदा हाँ कि तुसी दोवे भरा इकट्ठे रहो। इस तों अलावा सतगुरु जी ने स्वर्गवासी पंडित गोपाल सिंह जी अते सेठ हरभजन सिंह जी औरंगाबाद वालियां तों भी आप जी नूं अखवाया अते इन्हां दोनों ने भी सतगुरु जी का हुक्म ठाकुर उदय सिंह जी नूं सुनाया, पर आप जी अते संत जगतार सिंह जी ने किसी हुक्म की कोई परवाह नहीं की। पर जे ठाकुर दलीप सिंह जी संगत विच खलो के संत जगतार सिंह जी अते ठाकुर उदय सिंह जी आप जी नूं हाथ जोड़ के इकट्ठे होने वास्ते बेनती करते हैं, तो ठाकुर उदय सिंह जी इस बेनती नूं ये कहिंदे हन कि वड्डे भा जी ईरखा भरिया भाषण देंदे हन। श्री ठाकुर जी, सारी साध संगत आप जी कोलों पुछदी है जे एकता की बेनती करन वाले श्री ठाकुर दलीप सिंह जी का भाषण ईरखा वाला है तो मिलाप वाला भाषण केड़ा है अते उसकी परिभाषा की है, ये आप जी साध संगत नूं विस्थार नाल दसन की कृपालता करो। सत श्री अकाल। ये सन सूबा अमरीक सिंह जी। मैं हुण बेनती करदा डॉक्टर सुखदेव सिंह जी अमृतसर। सत्कारयोग साध संगत जी, कल कुछ नामधारी पंथ दीआं विचारां होईआं, उन्हां विच्चों कुछ गल्लां उभर के सामने आईआं कि साध संगत सारी एक बार माता जी दे चरणां विच एकता लई अपील करे, बेनती करे। उस संदर्भ विच मैं कुछ बेनतियां साध संगत वल्लों माता जी दे चरणां विच हथ जोड़ के करन लगा। मैनूं आस है कि माता जी जरूर प्रवान करनगे साध संगत की बेनती। माता जी, पंथ विच एकता करवाओ ते नामधारी पंथ नूं बचाओ। ये आप जी तो बिना कोई होर महान हस्ती नहीं दिसदी सानू कि जिहड़ी नामधारी पंथ नूं बचा सकदी होवे। जद जद भी किसे कौम विच दुफाड़ होया, कलेश पिया, जां ईरखा आई, जां स्वार्थी लोग आए जिन्हां ने कौमां पाड़ियां, कौमां खत्म हुंदियां रहियां ने, इस करके हाथ जोड़ के साध संगत वालों बेनती है कि आप जी कृपा करो ते आप जी नामधारी पंथ नूं इकट्ठा करो, गुरु परिवार इकट्ठा करो। इस विच नामधारी पंथ दी सिख कौम दी भलाई है। पूजे माता जी, आप जी पंथ दे माता हो, आप जी बिना होर किसे नूं दर्द नहीं, कृपा करके पंथ कड़ा इकट्ठा करो। पंथ दुखियां नूं पछाण के पंथ चों कढ दिओ तां कि उह आपो अपने घरीं जा के वह अपना कार विहार करन। पंथ पढ़न की जिहड़ी उन्होंने एक परंपरा तोरी हुई उन्हूं रुकावट पै सके। सारी संगत महसूस करती है कि जे आप जी कृपा करोगे ठाकुर दलीप सिंह जी जिन्हों भी आप जी योग समझोगे उन्हों ही गुरु मंदन तैयार हो जाएगी,
पर योग बंद बचन आप जी का हर नाम धारी श्री ठाकुर दलीप सिंह जी मंदिर तैयार होणगे। जिहड़े पंथ दोखियां ने पंथ पाड़िया लुट्टिया ते आप जी नू तसीहे दित्ते, अज फिर पंथ पाण लुट्टण लई ओह बंदे पलटवार करके अगे हो गए हन, क्योंकि ओह बंदे मैं एक गवाह है कि 25 साल नामधारी पंथ श्री भैणी साहब मैं रहा है, मैं सारा कुछ उत्थे अखीं देखिया है। आप जी नू बार बार बेनतियां भी करदा रहा टाइम टू टाइम, वह बंदे आप जी नू इत्थों तक मत्था टेकण तो भी साध संगत नू रोकदे सन, आप जी ते पाबंदियां भी लाउंदे सन, खजाने चों माया लैण तो भी रोकदे सन, हर तरह की पाबंदी लगती सी। टाइम टू टाइम यह सारा कुछ हुंदा रहा, पता नहीं अज की कारण है कि उही शख्स अज फिर आप जी नू चंगे लग रहे हैं। कृपा करो उन्हां नू समत बख्शो, उन्हां नू साइड ते करो करो तां कि निज स्वार्थ सच्चा सुच्चा सिख नामधारी पंथ की अगवाई करे, नामधारी पंथ च एकता हो सके। अज कोई संगत विचों सतगुरु दलीप सिंह जी कहिंदा है, कोई सतगुरु उदय सिंह जी कहिंदा है, कोई सतगुरु माता चंद कौर जी कहिंदा है, अते कोई सतगुरु जगजीत सिंह जी तो अगे किसे नू नहीं मनदा कि इको पंथ दे कई गुरु होणगे ते नामधारी पंथ दा की हुलिया होएगा। ये आप जी चंगी तरह जानदे होगे, क्योंकि आप जी नामधारी पंथ दे माता हो, आप जी नू बहुता दसण दी सानू लोड़ नहीं, अहीं आप जी दे बच्चे हाँ। आप जी ने कईआं नू हुकम कीता काका वड्डा 6 महीने चुप करके बैठ जावे, असीं सब ठीक कर देवांगे। इहो हुकम आप जी पंथ इकट्ठा करके कर दिओ, जां पंथ दे विच आप जी ऐलान कर दिओ, असीं आप जी दा इह हुकम श्री ठाकुर दलीप सिंह जरूर मनावांगे। सानूं आस है कि साध संगत दी बेनती नूं ठाकुर जी जरूर प्रवान करनगे। आप जी दे परिवार विच लड़ाई होण करके हरेक नामधारी परिवार विच लड़ाई पई होई है, इसे लड़ाई कारण कई गुरद्वारां नूं ताले लगे हुए हैं, विआह भैणी साहब तो बाहर होण लग पए ने, अते भैणी साहब की अगराई रुकी हुई है। हर नामधारी परिवार नूं सुख देण लई गुरु परिवार इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, समय की लोड़ है। आप जी श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी दे महल हो, महान हस्ती हो, जिवें श्री सतगुरु जी ने अपने चाचा श्री महाराज निहाल सिंह जी का विछड़िया परिवार नाल जोड़ के पंथक लड़ाई खत्म की सी, आप जी भी कृपा करो, दयालता करो, नामधारी पंथ दे दयालता करो, आप जी करन योग हो, समर्थ हो, ते सारे परिवार नू अपने परिवार नू नामधारी पंथ नू एक लड़ी विच परोहो, ता कि सारी संगत सुख दा आनंद माणे। घर घर जो लड़ाई झगड़े परिवारां विच पए होए ने, किसे दा धी किसे पासे जा रही, पुत किसे कोई भाषा बोलदा है, बाप कोई भाषा बोलदा है, सारा परिवार एकजुट हो के नाम सिमरन करे, रहत मर्यादा च अगे वधे परपक होवे ते नामधारी पंथ होर वधे फुले, यही सारी साध संगत दी आप जी दे चरणां विच बेनती है। आप जी कृपा करोगे साडियां बेनतियां जो असीं आप जी दे चरणां विच टाइम टू टाइम कर दे रहे हाँ, जां जिवें अमृतसर बेनतियां करनगे 500-600 शरीर जो कुछ होया, जां भैणी साहब बेनतियां करनगे टाइम टू टाइम, नहीं सुनवाई हुई, इस करके ये मीडिया का आसरा असीं लै रहे हाँ, तां कि साडियां बेनतियां दी बेनतियां नूं सुन के प्रवान किया जाए। असीं आप जी दे तह दिलों धनवादी, आप जी दे बच्चे साध संगत नामधारी साध संगत मकेर। ये सन डॉक्टर सुखदेव सिंह जी अमृतसर, साढ़े कोल मास्टर मोहन लाल जी सबका मंत्री ट्रांसपोर्ट मंत्री BJP वो भी पहुँचे ने, उन्हों का आन पर धन्यवाद करते हैं। और सरदार सुच्चा सिंह जी लंगा सबका कैबिनेट मंत्री श्रोमणी अकाली दल वो भी साढ़े पास पहुँचे ने, उन्हों का भी इतने आने जियो आया।
जसविंदर सिंह जी बिट्टू जनरल कौंसल मैंबर श्रोमणी अकाली दल वह भी पहुँचे ने उन्हों का भी धन्यवाद है। सरदार रणजोत सिंह जी सबका वाइस प्रधान नगर कौंसल मकेरियां वह भी साढ़े को पहुँचे ने उन्हों का भी धन्यवाद है। सरदार सुरजीत सिंह जी पट्टी पट्टियां सबका समती मैंबर वह भी पहुँचे ने उन्हों का भी धन्यवाद है। श्री सुभाष कुमार जी जैन वह भी साढ़े पहुँचे ने असी उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। हुण मैं बेनती करदा सरदार सुच्चा सिंह जी लगा सबका कैबिनेट मंत्री श्रोमणी अकाली दल वो अपने विचार रखणगे 5-7 मिनट वास्ते। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह अर्ज करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत सत्कारयोग शख्सियतां ने अपने विचार तुहाडे नाल सांझे कीते ने। पंथ दी दर्द रखण वालियां नामधारी समाज नूं हड बीतियां गल्लां जिहड़ियां ने सांझियां कीतियां ने। परमात्मा कृपा करे अकाल पुरख इन्हां जख्मां ते मलम लगे सारा पंथ जिहड़ा है नामधारी समाज इकट्ठा होवे। ये हुक्म परमात्मा ही पूरा कर सकता है। जदों पंजाब विच जुल्म दा दौर वध्या ते बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी दी आशीर्वाद लैके पंजाब वल नूं आया ते पंजाब नूं सर करदा करदा जदों गुरदास नंगल पहुंचे लंबा समा घेरा पै गया ते जेड़े सिंह एक सुर नाल लड़ रहे सी दुश्मन नाल कट्ठे बैठ के बंदगी कर रहे सी कट्ठे बैठ के प्लैनिंग करदे सी रब वालों भाणा वरत्या उन्हां दी सोच आपो च बदल गई। मेरे कहण दा भाव बाबा बंदा सिंह बहादुर एक पासे हो गया ते बाबा नौ सिंह जी दूजे पासे हो गए। दोनों ने आपो अपने थां ते खंडे कस ले ते जेड़े सियाने सी ओ विच हो के उस लड़ाई नूं टाल दिता पर उहदा रिजल्ट बहुत वड्डा ते खतरनाक निकलिया। बाबा नौ सिंह उत्थों चले गए ते बाबा बंदा सिंह बहादुर उत्थे गिरफ्तार हो गए। छोटे बच्चे बीबियां ते लंबा समा भुखे रहण वाले सिंह उन्हां नूं गिरफ्तार करके दिल्ली विच ले जाया गया। जो तशद्दुद होया जो जायती होई अज भी लूंग कंडे खड़े हो जाते ने। मैं समझना वा तुसी दसा नवां दी किरत करन वाले हो तुसी रब दा खौफ रखण वाले हो तुसी पक्के अपने रैबर नाल जुड़े हुए हो ते ये जिहड़े गिलवे शिकवे ने ये अपने रैबर नाल कर रहे हो अपने समाज नाल कर रहे हो। परमात्मा कृपा करे तुहाडा सारा समाज इकट्ठा होवे तुसी इकट्ठे होके फिर देश ते कौम की अगवाई करो। महापुरशां दे पाए हुए पूर्णियां ते चलदे हुए ये जिहड़ा नामधारी समाज है होर चढ़दियां कला विच
तरक्की करे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, जो साडे को दिल की डुंगियाई तो हमदर्दी हुई वो तुहाडे जिहड़े गिले शिकवे ने वह सरदार प्रकाश सिंह बादल तक पहुँचा दिते जाणगे। इन्ना कुछ कहिंदा होया फतेह अर्ज करना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सावधान एकागर चीत, एक चित जे एक छिन त्यायो ते काल फास के बीच ना आयो। परम सत्कार योग साध संगत जी,
अपनी रसना पवित्र करो अते पहलों एकागर हो के फिर आख्यो चंगी तरह ध्यान धर के, एवें नहीं सारे ही आखो धन श्री सतगुरु नानक देव जी। राम कहत चित थित होए, सिंह कहत पै हान। हुण फिर अखां मीट के चंगी तरह सची मुची अपने अखां दे सामने, अखां मीटियां दे सामने ध्यान लियाओ। जिस सतगुरु ने नामधारी पंथ साजिया उन्हां दा नां लो, सारे आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह। धन श्री सतगुरु राम सिंह। सतसंगियो, अज आपां इत्थे इकत्तर होए आ हर जस करन वास्ते, एकता करन वास्ते, गुरु का वचन मनन वास्ते। आप जी ने जो भी सुनिया है अते जो सुनोगे, सारी गल गुरु की बाणी यानी श्री आदि ग्रंथ साहब जी, दसम ग्रंथ साहब जी, भाई गुरदास जी, इन्हां ते आधारित गल करांगे। इस करके नामधारी, गैर नामधारी या कोई भी, यानी जिन्ने भी सतगुरु नानक नाम लेवा ने, सारिया वास्ते ये उपदेश जो गुरबाणी विच दिता गया उही है, वह सांझा है। असी सिर्फ उदी व्याख्या करांगे। असी नाम धारीए सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह तो शुरू होए हाँ। असी दसवें पातशाह जी तो बाद अगे सतगुरु बालक सिंह जी नू, उस तो बाद सतगुरु राम सिंह जी नू मानदे हाँ। असी नाम धारीए इस गल नू मुख रूप विच मानदे हाँ कि गुरबाणी अनुसार साड़ी वक्री कोई गल नहीं, असी गुरबाणी अनुसार मानदे हाँ कि सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी हुंदा है। ते ब्रह्म ज्ञानी कोई जड़ वस्तु नहीं हो सकती, ब्रह्म ज्ञान मनुख रूप विच सतगुरु नू हुंदा है, और ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु सिखां दा पार उतारा करदा है। सतगुरु नानक देव दी गद्दी ते जेड़े सच्चे पातशाह विराजमान होए उन्हां दा सत्कार साडे वास्ते सर्वोपर है। पर जिस तरह गुरबाणी विच लिखिया गया उहदे अनुसार कोई भी ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हो सकदा है। सत पुरख जिन जाणिया सतगुर तिसका नाउ। भाई गुरदास जी ने राजे हरिचंद वेले सतयुग विच भी लिखिया कि उदों भी गुरबाणी सी ते सतगुरु सी। आप जी ने जो शब्द हुण श्रवण कीता इहदे विच बिरती एकागर करन दी गल कीती गई है। सच्चे पातशाह वचन कर कीता होया कि सावधान एकागर चेत हो के प्रभु दी उस्तत करो। एकागर चित बिरती एक थां ते टिकणी, इहदे विच भी अगों फिर दो तरह की चीज़ आ जाती है। एक तो यह है कि बिरती एक थां ते टिकदी है, किसी भी एक चीज़ ते वो टिक सकती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अफुर अवस्था है, जिथे बिल्कुल कोई फुरना नहीं रह जाता, वो वक्री चीज़ है। इत्थे आपां सिर्फ बिरती टिकाउण की गल करते हैं। ये अज की व्याख्या कुछ इस करके भी जरूरी करन लगा, बहुत सारी संगत कल्ले कल्ले आ के मैनू कहिंदे ने जी असीं जदों भजन बाणी करदे आं साडा मन नहीं टिकदा। उन्हां सारिआं वास्ते ये अज की गल उत्तर देण लगा, और ये चीज़ जो मैं बेनती करन लगा ये सिर्फ नामधारियां वास्ते नहीं,
हरेक मनुख वास्ते है जिहदा मन नहीं टिकदा। जो मैं कहांगा वो चीज़ नूं करके परख के वेखो, जे मेरी गल तुहानूं ना ठीक लगे मैनू समझा दिओ, मैं अपने विचारां नूं शोध के उन्हां नूं इस तों होर वधिया बनावांगा। पर मेरी बेनती सुनो, मनो ते उन्हूं करके वेखो। बिरती टिकनी मन दा टिका, बाणी विच लिखिया है कबहू जीड़ा उब चढ़त है कबहू जाए पयाले, मन बाछे ज्यो नित पाउंदिया। जिहड़ा मन सादा सदा ही हर वेले ही कदी उपर थले कदी गेड़े कढ़दा रहिंदा, उस मन नूं टिकाउण वास्ते मन वसिया वै नानका जे पूरन किरपा होए। हुण पूरन किरपा वो तो किसी विरले ते ही हुंदी है, वो किरपा कदों सच्चे पातशाह किहदे ते करनगे, वो चीज़ नूं लांभे रख के आपां दुनियादारे दी सौखी जिही गल करके अगे चलदे हां। सच्चे पातशाह किरपा कीती कईआं ते, जदों कन्न विच भजन दस्या सतगुरु राम सिंह जी ने जां उहनां दे वरसाए सिखां ने, उसे वेले ही बिरती जोड़ दित्ती। पर वो कदी कदी किरपा हुंदी है। मुख रूप दे विच जिन्ने भी साधु महात्मा वड़े वड़े महापुरश होए ने, उन्होंने सालां बद्धी अभ्यास किया। अभ्यास करके बिरती टिकी है और बिरती नूं टिकन दी आदत पई है। सो साध संगत जी, जे आपां सच्ची मुची अपनी बिरती टिकाउणी है, पहलों ये सोचन की लोड़ है कि साड़ी बिरती टिकदी क्यों नहीं, क्यों टिकदी है क्यों नहीं टिकदी। टिकदी इस करके नहीं कि साढ़े मन दे विच हर वेले किसी ना किसी तरह की हलचल हुंदी है, ते वो हलचल कई बारी असी आपां आपे कर लैने आ, कई बारी वो हलचल बाहरों हो जाती है। जिस तरह के आपां गृहस्थी जीवन जिउने आ, इस संसार विच रहिंदियां करदियां परिवार दे विच बैठियां, कदी पत्नी लड़ पई तो कदी पति जी लड़ पए, कदी बच्चियां ने कुछ खराब कर दिता, कदी स्कूलों सुनिया आ गया कि फीस देनी है, कदी बिजली कटी गई, कदी स्विच खराब हो गई, कदी पानी की टूटी लीक हो गई। ये सारिया चीज़ां साडी बिरती टिकण विच विघन पाउंदियां। किवें, जो मैं दसन लगा घर जा के तजर्बा कर लियो या इत्थे सोच लो, किसी टूटी दे थले पानी रख, पानी पा के एक थाली रख दियो, उत्तों इन्नी क टूटी खोल दियो जिहदे चों हर 30 सकिंट पिछों एक तुबका पानी का डिग पवे। पूरी नहीं खोलनी, हर 30 सकिंट पिछों एक तुबका पानी का डिग पवे, ते कोल बैठ जाओ वेख लो भला वो पानी थाली वाला टिकेगा कि नहीं। जिमें हर 30 सकिंट पिछों वो तुबका डिगया थाली दे सारे पानी नूं हिला देंदा है, इसी तरह कोई ना कोई जो घटना तुहाडे नाल घटदी है, कोई गाल कढ़दा है, किसी नूं आपां कढ़दे आ, कोई मोटरसाइकिल आ गया, वो कोई चला गया, वो सारिया चीज़ां तुहाडे मन नूं टिकण तों रोक दियां ने। जे उसे ही थाली दे पानी नूं उत्थे ही पिया रहन दिओ, टूटी पक्की बंद कर दिओ कस के, जां थाली नूं थल्लों लांभे कर दिओ, 5 मिंटां बाद देखो किन्ना फर्क पैंदा, करके वेखो, मेरी गल ते ना जायो। जे उहनूं ही आपां 2 घंटे बिल्कुल टिकिया रहन देंगे जिथे कोई हवा भी ना आवे, पानी होर टिक जाएगा, नहीं तो जे हवा का बुला आ गया पखा चला दोगे तो भी पानी नहीं टिकेगा। इस तरह साढ़े मन नूं
हिलाउण वास्ते साडी बिरती टिकाउण साडी बिरती हिलाउण वास्ते वखरी वखरियां चीज़ां जिहड़ियां ने उहनां दा वखरा वखरा प्रभाव पैंदा तां साडा मन नहीं टिकदा। जिवें आपां इत्थे आए हां हुण इत्थे जो वख्यान जथेदारां ने कीते कथा होई कीर्तन होया सच्ची मुची अपने अपने मन अंदर झाती मार के वेखो आपां ध्यान नाल किन्ना क सुनिया सी। सब तो पहली गल आपां ते मोबाइल ही नहीं बंद किते फिर आखना जी साडी बिरती नहीं लगती बिरती किवें लगेगी। साध संगत जी पांच ज्ञान इंद्रे ने साडे पांच ज्ञान इंद्रे कान अखां नक जीभ ते चमड़ी ये पंजे ज्ञान इंद्रे वक्रे वक्रे तरह नाल पांच प्रकार दे रस ग्रहण करते ने ये ओ जिन्ना चिर ये पंजे ज्ञान इंद्रे ना संकोचे जाणगे उन्ना चिर मन दा टिका हो ही नहीं सकता। इस करके सब तो पहलों इन्हां पांच ज्ञान इंद्रियां नूं संकोच के बैठन की आदत पाईए। जिवें एक पासे कान नूं मोबाइल लगा होवे उहदे नाल कान रस हो गया सामने टीवी लगा होवे उह नेत्रां दा रस हो गया उस तों बाद कोल अगरबत्ती चलदी होवे उहदे नाल साडे नक दा रस हो गया मूँह दे विच आपां टाफी पाई होवे उहदा जीभ दा रस हो गया ते चमड़ी ते सानू मच्छर लड़ी जांदा होवे पंज ज्ञान इंद्रे हो गए पंजे ज्ञान इंद्रे इक्को वेले काम करी जान फिर अपना मन टिक सकदा फैसला तुहाडे हाथ क्यों जी नहीं टिक सकदा। आपां गूढ़ी नींद सुते होइए मच्छर आके लड़ जावे यानी कि चमड़ी दे उत्ते कुछ हो जावे ते नींद खुल जांदी ते जदों पंजे ही ज्ञान इंद्रे काम करी जांदे ने साडी बिरती किवें टिक सकदी। इस लई जिहड़े भी बिरती टिकाउणा चाहुंदे ने सब तो पहलों इन्हां पंज ज्ञान इंद्रियां नूं संकोचना शुरू करिए कि जिन्ना चिर बैठना समाधि लाउण दी कोशिश करनी उन्ना चिर कोई ज्ञान इंद्रे काम ना करदे होण। जे मेरी गल फिर नहीं मन्नण चाहुंदी तुसीं ध्यान नाल देखो कोई जरूरी काम तुसीं करदे होवो सड़क तो लंघती कोई बस रेल का हारन वजन लग पवे साडा ध्यान उधर चला जाता बिरती उखड़ जाती है भावें हिसाब दे विच बिरती लगी होवे भावें भगवान च लगी होवे। हुण आपां इत्थे बैठे हाँ आए तो आपां इत्थे बिरती टिकाउण वास्ते आ ना जिन्ना चिर कोई कुड़ी मुंडा बच्चा साडे अगों दी लंघदा पिया साडियां अखां वेंदियां ने साडी बिरती नहीं टिकदी। इसे तरह जिन्ना चिर तुसीं कोई चीज़ सुनते पए हो कन्ना राही कोई रस ग्रहण कर दे हो साडा ध्यान उधर जा रहा बिरती नहीं टिकती। हुणे ही इत्थे किसे पासों कोई धुआं हो जाए उहदे बड़ी भैड़ी मुश्क आ जाए साडी टिकी हुई बिरती उखड़ जाएगी। इस तों अगे आपां बैठे होइए बिरती ला के बैठे हो समाधि ला के कोई छोटा जिहा बच्चा आ के ते तुहाडे गल